भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व मंत्री हरि सिंह जी, पूर्व मंत्री सुभाष जी, हमारे प्रदेश महामंत्री कालीचरण जी और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री जनार्दन जी और सुरेशदास जी और सावरलाल जी और खेमाराम जी और हमारे विधायक श्री राजकुमार जी, अशोक जी और जिलाध्यक्ष बसंत जी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रतन जी राठौर और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता बंधु और मेरे सामने बैठे हुए अपार जनसमूह है, मेरे साथ भाई बुजुर्ग और माता बहने उनको भी देख के मैंने आज तो पहले से ही प्रणाम किया क्योंकि मैं कहा कि इतने जोरदार वर्षा के अंदर भी आप लोग हमारे लिए रुकी रही, आप सबके साथ रुके रहे और आप लोगों ने इतना अपार स्नेह देके हमारा सबका स्वागत किया उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उसका तो क्षेत्र है, उसको तो नहीं, आप उसकी चिंता मत करो, ये तो एक ही चीज। और सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं मेरे को लिख के दिया था इसने, मैं वही कोशिश अभी करने वाली हूँ आपके ही भाषा में। अब राजा जी अगर गलत हो जाता है तो फिर मेरे को बता दें, मारे हुए किसको तारानगर क्षेत्र का मारा भाई और बहना शिव पांडे की जानी मानी धरती, हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति श्री गोगा जी की चरण चली, राजा भर्तरी की तपोभूमि, सिराज भगत व तैयार की चरण चली, गुरु गोविंद सिंह और तारानगर जी की कर्मभूमि, स्वतंत्रता सेनानी गौरी शंकर साराव जी की जन्मभूमि और प्रातः स्मरणीय साधु संत की ई धरती पर आपके बीच आई। आप इसी बड़ी संख्या में पधारा हो इसके लिए हमारे सब भाई बहना में धड़ा मानो धड़ा मान संयम राम राम धन्यवाद। सोलह की धरती तारानगर में कई दिना बाद आना को मौका ही सुराज संकल्प यात्रा में मिले हैं। आपको प्यार विश्वास बढ़ो रहे आई भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। किसी ने बताया नहीं, मैं तो यही देख रही हूँ कि जो इन लोगों ने कहा था मेरे को उसने कोई गलती तो नहीं है। तो ठीक है, मैंने कहा था मैं कभी पेड़ी दफा इसका इस्तेमाल करके देखूंगी दिखा चुकी। आप लोग इसी दिन मैं तो जब रस्ते में चली और मेरे को मालूम पड़ा कि तूफान आया और तूफान से पूरा क्षति उड़ गया और जोरदार पानी अभी भी पड़ रहा है तो मैंने ये सोचा कि तारानगर में जब इतनी भीड़ है तो जाएगी तो नहीं, और इसलिए मैंने सबको ये कहा कि चलो चिंता मत करो चलते रहो, अपन वहां चलेंगे, अगर पानी आ रहा है तो पानी में साथ में भीगेंगे और बहुत मस्ती करेंगे गर्मी के अंदर तो वैसे ही सबसे परंतु ऐसे सुहाने मौसम में जहां बरसात नहीं होती है वहां इतनी अच्छी बरसात हो रही है उस बरसात में जाके सब पूरे परिवार के साथ हम लोग खुशी मनाएंगे यही सोच के आप लोगों के बीच में आए। वहां तालाब बना हुआ है और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब गर्मी में आई थी ये भी आपको याद होगा इससे कार्यक्रम था वो अपन आए थे यहाँ जब आपका बहुत जोरदार फसल में खराबा भी हुआ था, आके गर्मी में आए थे तो ऐसी तपती हुई गर्मी थी और आप लोगों ने सबने पानी की प्यास हम लोगों को तब कही आपको याद होगा। और वो तारानगर और इस तारानगर में कितना जमीन आसमान का फर्क है, वो तारानगर में गर्मी से हम लोग सब तप रहे थे, इतनी जोरदार मुसीबत थी और यहाँ आप लोगों के बीच में आ जाके ऐसे मौसम में आपके इतने सारे लोगों को देख के खुशी ही आई है क्योंकि मुझे लगा कि तारानगर का रास्ता बदल गया है। अब
पहली दफा तारानगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, इसीलिए पहली दफा तारानगर के अंदर काम करने का वादा मैं करके जा रही हूं। उस समय भी सुनना तो चाहो क्या क्या वायदे करना है, क्योंकि पहले नहीं किया मैं तारानगर क्यों करती, जब समय नहीं था, अपना ही नहीं था, यहाँ तो कोई बोलने से मतलब भी नहीं था, परंतु मैंने इन लोगों को सबको कह रखा था कि आप साथ में चलोगे, आप लोग प्यार दोगे तो तारानगर के काम करने का हम लोग काम करेंगे, ये विश्वास रखे जाओ। सबसे पहले मेरे को ये बताया गया कि 1982 में जो बन रही थी लिफ्ट योजना, जिसका नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट योजना, 1982 में इसका सपना सबने देखा। और आपको ये बता दूं कि राजनीति चलते चलते 25 साल निकल गए और आपकी ये यात्रा, ये नहर जमीन पे नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि कांग्रेस वाले जानते हैं कि हम किस तरीके से बुलाए जनता को, चलाते रहे बस काम नहीं करें, कहा उनकी आशा बढ़ाते रहे कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ऐसे करते करते 25 साल निकाल दिए। भारतीय जनता पार्टी की ये आदत नहीं है, हम लोग हमेशा कहते हैं कि कोई वायदा अगर हम लोग करते हैं तो उस वादा को पूरा करने में समय नहीं छोड़ते। इसीलिए ये कुंभाराम आर्य के कनाल के निर्माण के लिए 58 करोड़ रुपया, ये सावरलाल जी भी बैठे हुए यहाँ मंत्री थे, तो उस समय सर उन लोगों ने हमने तय कर लिया था और अपने घोषणा पत्र के अंदर अपने रुपए स्वीकार कर दिए थे, और स्वीकार करके अगर सरकार हमारी रहती तो मैं समझती हूँ कि अभी तक आप लोगों को वो पानी मिल जाता, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। परंतु कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अंदर वादा तो जरूर किया था कि हम करेंगे, परंतु 25 साल से वादा करते आ रहे हैं और इस बार भी ऐसे ही वादा हुआ, और इस बार भी जो पैसा दिया था उन सब चीज को कैंसिल करके, उसको पूरा निरस्त करके उन्होंने 11 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया। 11 लाख भाइयों, सोचो तो सही, किसको बना रहे हैं 11 लाख? ऊंट के मुंह में जीरा बने जले पे नमक डालने का काम आपके ऊपर कर रहे थे, उनको लगा कि ये 11 लाख हम और कह देंगे और 25 साल हम निकालेंगे। तो इस बात को मैं समझती हूँ कि आप लोगों को उनको सबक सिखाने की जरूरत है कि अब 25 साल हो गए और हम सबको समझ में आ गई इस तरीके की जो सरकार लोगों को इस माने भुलाती रहती है और लोगों का काम करती नहीं है, ऐसी सरकार को उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं। अपने टाइम में हम लोगों ने बजट स्वीकार करके धीरवास माइनर, दीनू देवा सर, अमरा सर भाबरा और आपका कैलाश माइनर और सेवा विदिका, इन काम को पूर्ण करवाने के लिए टेंडर भी करवा दिए थे, परंतु जैसे ही प्रदेश की सरकार बदली तो इन लोगों ने वो टेंडर निरस्त कर दिए। अब आप समझो कि अगर वो टेंडर ही पूरा करके काम भी चालू कर दिया होता तो क्या वो माइनर आज पूरे नहीं हो जाते, 4.5 साल पूरे निकल गए। और मैं मानती हूँ कि एक एक दिन सरकार के लिए भारी होता है, 4.5 साल तो बहुत भारी हो गया, और 4.5 साल निकालने का मतलब 1.5 साल की हमारी उम्र निकल गई। अब सरकार नहीं आएगी तो ये काम करेगी, और इतने जोरदार मांग है इस क्षेत्र के अंदर, और उसके बावजूद भी अगर कोई सरकार नहीं मानती तो उस सरकार को फिर मौका देना नहीं है। कितने साल निकल गए आपने कहा? 53 साल, 53 साल निकल गए, 53 साल आप लोगों ने उनका साथ दिया है। आपको बिजली मिल गई? बताओ जी, आपको 8 घंटे बिजली मिल गई? राजेंद्र जी का तो छोड़ दो, राजेंद्र जी तो रोज लड़ते हैं हाउस में, पर मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ये 5-4 साल छोड़ दो, आप लोगों को बिजली मिली क्या? जिस क्षेत्र ने लगातार उनका साथ दिया, पीने को पानी नहीं, सड़क नहीं, आप लोगों को बिजली नहीं, ये मूलभूत सुविधाएं आप लोगों को नहीं मिलने वाली थी। और मैं ये कह रही हूँ कि जब हमारी सरकार गई है तो आप लोग महिलाओं के लिए एक नई लाइन, एक अलग सी बिजली की लाइन छोड़ के गई थी, जो पहली दफा राजस्थान के अंदर हम लोगों ने
जी वो इतिहास में सही करता है, आप कुछ होगा क्योंकि हमें पूरा कदम है। आप पहली दफा उन लोगों को लाइन छोड़ा है और उस लाइन के अंदर जाते जाते 18 से 20 घंटे बिजली थी, और अगर रह जाते अपनी सरकार रहती तो मैं ये मान के आपको कह सकती हूँ कि 24 घंटे बिजली महिलाओं को मिलती, और मैं उनको देख के ही छोड़ूंगी। सरकार अपनी आएगी तो हम लोग उनको देख के छोड़ेंगे। आप उसकी चिंता न करें। तारानगर के पेयजल की आपूर्ति की तो हाल कितना बेहाल है आप लोग जानते हो। अंदर सिटी के अंदर आपकी योजना से यहाँ मात्र 4 या 5 वार्डों को ही पानी मिल रहा है। कितने साल निकल गए, कितनी बड़ी माना कितना बड़ा कस्बा शहर है ये, और उसमें खाली आपको 4 या 5 घंटे पानी मिल रहा है। शहरवासी हजार हजार रुपए टैंकर के पेमेंट करते हैं तब उन लोगों को पानी मिलता है। आज के जमाने के अंदर हमको टैंकर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होना पड़ता है। सोचो क्या हालत हो गई है क्षेत्र की। आपको ये बूंगी पेयजल योजना के लिए 468 करोड़ रुपए है, सावर जी बैठे हुए हैं, 468 करोड़ रुपए से दिलवाया, और वो भी हमारी बदकिस्मत है कि सरकार बदलते बदलते ये सब काम हो गए थे, तब तक सरकार बदल गई और उसके बाद वो 468 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल कर लेते। ऐसा नहीं कि नहीं था पैसा, कोई सरकार ये कहे कि इन लोगों ने उसको हाँ कर दिया था परंतु उसके साथ पैसा नहीं दिया था इसलिए हमें निरस्त किया, ये बात नहीं थी। पैसा भी था, स्कीम भी बनाई थी, बस खाली उसको चलाने की जरूरत थी, उस पर काम करने की जरूरत थी। इतना भी अगर सरकार नहीं काम कर सके तो फिर वहां कुर्सी पर बैठे बैठे कर क्या लेंगे। मैं जगह जगह पे यही पूछती हूँ। आज तो आप तारानगर की बात कर रहे हैं, 4 संभाग से मैं होते हुए आ रही हूँ और चारों संभाग ने मेरे को रो रो के सिर्फ यही बात कही कि हमारे पानी बिजली सड़क इतना ही दिलवा दो। 65 साल निकल गए, एक ही सरकार को हम लोगों ने वोट दिया है, हमारी सरकार यही आती गई है, और 65 साल के बाद क्या हमारी यह हालत। उधर आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह को 10 साल दिए उनके लोगों ने और मध्य प्रदेश का क्या हाल हो गया। इधर देख लीजिए गुजरात के अंदर, गुजरात में नरेंद्र मोदी ने 15 साल में गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया है, और 53 साल हम ऐसे गड्ढे में पड़े हैं। क्या ऐसे कांग्रेस वालों से हम लोगों को प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्या उनसे पूछना नहीं चाहिए कि आपने हमारे लिए किया क्या, क्यों हम आपको वोट दें। मैं पानी का आपको ही बता दूं, 2011 और 12 के अंदर 330 करोड़ रुपया अलग से पानी के लिए आया, उसमें से सिर्फ 24 करोड़ रुपया इस सरकार ने इस्तेमाल किया और करीबन 306 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। लैप्स हो गया कितना पाप हुआ है समझो। 2012-13 के अंदर 600 करोड़ मिला, 600 करोड़ में से 29 करोड़ इस्तेमाल हुआ और बाकी 580 करोड़ रुपया वापस चला गया। और 2013-14 के अंदर आप ये समझ के चले 1300 करोड़ मिला और 1300 करोड़ में से 1244 करोड़ वापस चला गया, सिर्फ 56 करोड़ इस्तेमाल किया। अब आप समझो कि ऐसी सरकार जिसने 2000 करोड़ रुपया पानी का वापस कर दिया और अपनी जनता के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, क्या उसको उस कुर्सी पे बैठने का हक है? नहीं है। बिजली का आप देख लीजिए, 72 घंटे के अंदर ट्रांसफॉर्मर बदलने का हम लोग काम करते, आप लोगों को बिजली किसानों को खेत पे टाइम पे पहुंचाते। आज आप देख लीजिए ट्रिपिंग के मारे किसान तो यही रोता है कि हमको तो बिजली मिलती नहीं, आपके यहाँ भी 3 या 4 घंटे मुश्किल से मिलती होगी, और अगर ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाता है तो वो ट्रांसफॉर्मर जब तक रिश्वत नहीं मिले तब तक वापस नहीं आता, और वो रिश्वत 5-10 हजार नहीं है, 20-25 हजार रुपया है, उतना मिलेगा तो आप पर वापस आएगा। और ये नई चीज जो BCR जो चलता है, ये BCR बिल के थ्रू द्वारा पैसे तो लेते नहीं है, बस BCR के द्वारा पैसे लेते हैं। गरीबों के बिल कहां 2 लाख कहां 4 लाख रुपए तक चले गए हैं, और मैंने ये ऐलान कर दिया है कि जब सरकार अपनी आती है तो उस समय इसकी इंक्वायरी होगी और जिन जिन लोगों ने इस तरीके की बदमाशी की है उसको दंडित किया जाएगा। और जिन गरीबों से ऐसे पैसे लिए गए हैं वो पैसे वापस उन गरीबों को किए जाएंगे, ये मैं सब लोगों को ऐलान कर सकती हूँ। ये तो नहीं होने देना। बिजली का हाल, ये पानी का हाल है, रोड के लिए आप देख लीजिए, मैं देख रही थी कि आपके विधानसभा के अंदर 16 सड़कें स्वीकृत हैं, इनके टेंडर भी हो चुके हैं,
पर सरकार बदलते ही वही बात होगी। आप देख लीजिए, आप चलते होंगे, मैं भी याद करके आई अपने ये सदा शहर वाले लड़कियों पर, मुझे याद है कि वो कितना सुंदर मेगा हाईवे बना। कभी कभी आप लोग उस मेगा हाईवे पे चलते हो तो याद तो करते हो ना, करते हो यार, ध्यान है ना। ये 5 साल के अंदर सब काम हुए, ये 5 साल के काम है, और अगर 5 साल के अंदर एक प्रदेश जो बीमारू था वो अपने पैरों में खड़ा हो सकता है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि 53 साल के अंदर ये क्यों नहीं हुआ? 5 साल के अंदर हम लोगों ने अगर यहाँ बदलाव ला दिया, 5 साल के अंदर अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ा के खड़ा करके उन लोगों को रोजगार का इंतजाम किया, 10-10 लाख रोजगार लोगों को, बच्चों को दिए, इस सरकार से पूछो कितने बच्चों को रोजगार दिया इस 5 साल के अंदर, तो आपको मालूम पड़ जाएगी। मैंने पता किया तो 60% से ज्यादा पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं कर्मचारियों के, परंतु उन्होंने उसके ऊपर अपने वो नहीं किया, बढ़ाया नहीं है। और मैं आपसे पूछती हूँ कि क्यों नहीं बढ़ा? हमने अगर 10 लाख दे सकते थे तो इन लोगों ने आज क्यों नहीं बढ़ा? क्यों एक परीक्षा डाल दी है बीच में, टेट है नाम उसका, जो बीएड के लोग हैं, जो बीएड के लोग हैं उन बीएड के लोगों को टेट करने पड़ेगा, और टेट नहीं कर सकेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमने सबको कह दिया कि टेट का कोई इंतजाम पहले भी नहीं था राजस्थान के अंदर, और हम अपने आराम से अपना काम कराते थे, तो आगे भी सरकार राजस्थान में टेट की जरूरत नहीं है। पीने का पानी ये आप तक पहुंचाना, बिजली आप तक पहुंचाना, रोजगार का इंतजाम करना, लोगों को सड़क का इंतजाम करना, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको आप तक पहुंचाना, ये हमारा काम, ये कोई भी सरकार का काम। और मैं बताना चाहती हूँ कि विकास बहुत जरूरी किसी भी प्रदेश के अंदर है तो उसके अंदर खाली एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए हम सबको जुड़ना पड़ेगा। ये कांग्रेस ने लगातार पिछले 65 साल से हम लोगों के बीच में दीवारें खड़ी करके हम लोगों को एक दूसरे से झगड़ा करा के हमको अलग कर दिया। आज अगर टेट वाले अलग चले जाते हैं क्योंकि टेट की वजह से उनको नौकरी नहीं मिलती, तो वो 10वीं वाले उनको जाके आप अगर नौकरी का देते हो तो वो जाके अटक जाते हैं क्योंकि कोर्ट के अंदर उनको लिया जाता है। तो इधर भी गए उधर भी गए, बीच में कुंभकर्ण की नींद लेके हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 50 साल से कांग्रेस करती आ रही, उनने सोच लिया कि हमें करने की जरूरत नहीं है। अरे मुसलमान कहा जाएगा ये तो हमारे जेब का वोट है, अगर एससी और एसटी कहा जाएगा ये हमारे जेब का वोट है। वो आज जब तक ये नहीं समझ पाए कि ये किसी की जेब के वोट नहीं है, इनका सबका स्वाभिमान है, ये सब इज्जतदार लोग हैं और वो लोग सब विकास के साथ जुड़ने की तैयारी में है। इतनी एक परिवार है इसमें 36 के 36 को सब मजहब प्यार से एक साथ बंध के जब चलेंगे तो ऐसा कोई नहीं है जो आज के इस विकास को कहीं भी रोक सकता है। और चाहे वो पानी सिंचाई का हो, चाहे वो पानी पीने का हो, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे किसान जो क्या बरसात हो गई है सब किसान अपने खेत में जाएंगे, पर तो मुझे मालूम है कि सही बिजली नहीं, सही तरीके से पानी नहीं, सही बीज का इंतजाम नहीं, सही खाद का इंतजाम नहीं, और अगर वो जाते हैं अपना सामान बेचने के लिए तो सही तरीके से उसको फसल के पैसे नहीं मिलते। ये बेचारा किसान आत्महत्या के कगार पे आके राजस्थान में कई दफा खड़ा है, कभी नहीं हुआ ये राजस्थान के अंदर, ये हमने आंध्र प्रदेश में सुना, महाराष्ट्र में सुना, पर कभी हमारे यहाँ नहीं सुना। आज किसान को वहां आने की जरूरत पड़ रही है, इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है। और फिर हमारी माता बहने, हमारी माता बहनों की इज्जत आज सड़क पे आ गई है, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है राजस्थान के एकता जोरदार कलंक लग गया है। मैं तो समझती हूँ कि जो मुखिया है और जो अपनी बहन बेटी की इज्जत को नहीं बचा सकता उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा क्या मुखिया है कैसे करेंगे? तो इसलिए ये सब चीजों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती थी, और मैं आप लोग सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो बातें अपन करते हैं वो ऐसे ही नहीं करते, जो करते हैं उसको पूरा करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और आपने उस चीज को देखा होगा, अब मैंने सबको कहा रास्ते में जैसे बोलते हुए जा रही हूँ कि सरकार अपने हाथ में आ जाती है, दूसरे दिन मेरे दरवाजे के ऊपर आप लोग आके खड़े हो जाओगे, कहा है तो वो तो नहीं होगा, टाइम तो दोगे कि हम लोग सब मिलकर उसको ठीक कर सकें और काम करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कुंभाराम जी का जो लिफ्ट योजना है उसको पहले बजट के अंदर ही हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपने योजना है, ये जो आपने योजना है ना, इसको भी घर घर के अंदर हम लोग ले जाने की कोशिश पूरी करेंगे। उनको विचार करके काम हो जाएगा। एक कुछ वोट में तो ऑलरेडी कनेक्शन हो चुके हैं, जो वोट बच गए हैं उन वोट के अंदर कनेक्शन लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग की मदद होगी कि नहीं होगी? और ये टूटी गांव के अंदर भी ले जाने की कोशिश अपन करेंगे तो देखते हैं। एक साथ नहीं होगा, ये मत कहना मेरे को कि अभी चार महीने निकल गए तो आपका क्यों नहीं हुआ है। टाइम लगेगा, उनका चीज को लाने की कोशिश अपन करें। जो काम 53 साल में नहीं हुए हैं उस काम को पूरा करना आप लोगों को है, तो वो एक दिन में नहीं होगा, दो दिन में भी नहीं होगा, पर समय पर हो जाएगा। ये आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, काम अपन बचपन से शुरू करेंगे। यही कहने आप लोगों के बीच में आई हूँ, बस आप याद रखो इस बार आपने बदला है, आप लोगों ने करवट बदली है, आप लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ आप लोगों ने दिया है तो सारा नगर का काम करके छोड़ने का काम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अच्छा ये भी है कि मैं तो जो बात कह रही हूँ उसके ऊपर तो मैं अधिक रहूंगी, परंतु बहुत सारी रेवड़ियां भी बच रही है आजकल। ये चार महीने बाकी बच रहे चुनाव के लिए, हम लोग तो रेवड़ी नहीं बांटते, क्योंकि मैंने कभी भी, मेरी आदत नहीं रही है कि चुनाव के ऊपर मैं आपको कहूँ कि मैं ये दूंगी उसके लिए आपके वोट दीजिए। जो काम हम लोग करने का है वो पूरे लोगों के लिए, पूरे राजस्थान के लिए करने का काम है। उसको पहले भी हमने बना के रखा था, ये कोई नई बात नहीं है, उसको आगे ले जाने का काम हम करेंगे। परंतु यहाँ जो रेवड़ियां बच रही है, अगर यही काम 4 साल पहले हो जाता तो बहुत सारे लोगों को आज पैसे भी मिल जाते। और मेरी जो भामाशाह योजना है, उस भामाशाह योजना को ही पूरा अगर कर देते तो पेंशन भी मिल जाती, हमारे SC ST को भी मिल जाती, हमारे BPL परिवारों को भी मिल जाती, हमारे लघु और सीमांत कृषकों को भी मिल जाती, 50 लाख लोगों को आज तक वो काम मिल जाता। वो पैसा आज बैंक में पड़ा हुआ है, 200 करोड़ रुपया वो बैंक में पड़ा हुआ है, और 600 करोड़ रुपया कहां चला गया वो किसी को नहीं मालूम। पर वो 800 करोड़ रुपया अगर लग जाता तो आज तक आप लोगों को वो पेंशन भी मिल जाती। और वो जो रेवड़ियां बांट रही है आज, आपको रेवड़ी बांटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें मालूम है ये तो चुनाव में होगा और चुनाव के बाद क्या होता है वो देखने वाली बात। इसीलिए सब लोगों को मुझे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तय करती है, अपने हिसाब से करती है, और जो काम हम लोग करते हैं कहते हैं उसको पूरा करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और मेरा खाली आप लोगों से इतना कहना है कि साथ चलो, ये परिवार का काम है, इस परिवार को आगे ले जाने का काम आपका भी उतना ही है जितना मेरा है। एक नया राजस्थान हम लोग मिलकर बनाएंगे, हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए और हमारे किसानों के लिए। आपको ये परेशान करने आएंगे तो आप लोग हमारे साथ छोड़ सकोगे? हिम्मत होगी? हिम्मत है कि जब आपको डराएंगे धमकाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि भाई हमने अपने काम लिया है? अगर है तो फिर मेरे साथ एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक राजस्थान के नाम पे जय जय।